नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं एसपीटी 790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि किसी महिला के पेट में दर्द हो रहा है तो उस केस में वो कौन सी दवा का प्रयोग करें जिससे उनको बेटर से बेटर रिस्पॉन्स मिल सके। दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो सभी दवाओं का प्रयोग नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो हम आपको दवा बताने जा रहे हैं इसका प्रयोग प्रेग्नेंट वुमेन भी कर सकती हैं अगर उनके पेट में दर्द हो रहा है, या फिर कोई नॉर्मल आदमी है वो भी इसका प्रयोग कर सकता है, काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों इस जो दवा है इसका नाम है एनाफोर्टान टैबलेट। एनाफोर्टान टैबलेट आपको सभी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगा और इसका आप प्रयोग करिए यदि आपके पेट में दर्द रहता है तो। दोस्तों लेकिन वीडियो से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अक्सर क्या देखा जाता है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं वो सभी दवाओं का प्रयोग नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो सभी दवाओं का प्रयोग करती हैं तो उससे उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन जो एनाफोर्टान टैबलेट है बिल्कुल सेफ टैबलेट है। बताते हैं आपको एनाफोर्टान के साथ साथ में आपको और कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना है। तो जो एनाफोर्टान टैबलेट के साथ में आपको एसिलाक टैबलेट का प्रयोग करना है और डेकाडान टैबलेट का प्रयोग करना है यदि आप गर्भवती महिला हैं तो। और अगर आप गर्भवती महिला नहीं है उस केस में भी अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप एसिलाक टैबलेट और एनाफोर्टान टैबलेट का एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम आप प्रयोग करें, काफी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों जो इसका प्राइस है एक स्टिप का, एक स्टिप में आता है 15 टैबलेट और एक स्टिप का प्राइस है 85 रुपये, यानी 85 रुपीज़, और ये आपको सभी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगा। तो यदि कोई महिला गर्भवती है तो भी इसका प्रयोग कर सकती हैं, और अगर कोई महिला गर्भवती नहीं है तो वो भी इसका प्रयोग कर सकती हैं, या फिर कोई जेंट्स के पेट में दर्द हो रहा है पुरुष के तो वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई महिला प्रेग्नेंट है तो एनाफोर्टान के साथ में एसिलाक टैबलेट और डेकाडान टैबलेट का प्रयोग करना है, और अगर कोई नॉर्मल आदमी है तो उसके इसमें वो एनाफोर्टान टैबलेट और उसके साथ साथ में एसिलाक टैबलेट का प्रयोग करें, इससे उनको पेट दर्द में उनको काफी ज्यादा रिलैक्स देखने को मिलेगा। दोस्तों बताते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जितनी सारी दवाएं होती हैं कुछ ना कुछ उनका साइड इफेक्ट होता है। तो इसका साइड इफेक्ट बस कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट इतना है कि अगर ये टैबलेट आपको सूट नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा कि आपको उल्टी आ सकती है, यानी आपको मतली आ सकती है, और उसके साथ साथ में आपका सर भारी हो सकता है या फिर आपके स्किन पे दाने पड़ सकते हैं, कुछ इस तरह के इसके साइड इफेक्ट हैं। लेकिन ये साइड इफेक्ट देखे नहीं जाते हैं, कई लोगों ने इसका प्रयोग किया है, कई लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इस तरह के कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है आज तक। तो जो एनाफोर्टान टैबलेट है इसका प्रयोग गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं, या फिर जो महिला नॉर्मल है वो भी प्रयोग कर सकती हैं, या फिर किसी पुरुष के पेट में दर्द हो रहा है तो वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि जब भी आप इस टैबलेट का प्रयोग करें तो आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। जो लोग 18 साल से कम के हैं वो लोग इसका प्रयोग ना करें। इसका प्रयोग बताते हैं किस तरह से करना है आपको। तो सुबह खाना खाने के बाद में एक टैबलेट सुबह में और खाना खाने के बाद में एक टैबलेट शाम में प्रयोग करना है। तो जो महिला गर्भवती है वो एनाफोर्टान, एसिलाक और डेकाडान टैबलेट का प्रयोग करें, और जो लोग नॉर्मल हैं वो लोग एनाफोर्टान टैबलेट और एसिलाक टैबलेट का प्रयोग करें। अगर इसका आप प्रयोग करते हैं तो ये पेट दर्द में बहुत जल्दी आपको रिलीफ देता है, और उसके साथ साथ में इसका कोई विशेष साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो में कुछ रह गया हो, जो जानकारी हमने आपसे न शेयर की हो, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।